तो आज हम लोग बनाएंगे आलू कटहल की सब्जी, जो कि होली स्पेशल है। होली के दिन ना हमारे यहाँ ये सब्जी ज़रूर बनती है और इसको ना पुए के साथ सर्व किया जाता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आशा का किचन में। तो कटहल की सब्जी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने आधा किलो कटहल लिया है, जिसको अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया है, और इसे ना मैं मार्केट से ही कटवा कर लेकर आई थी। अब कटहल को हम लोग प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम लोग आलू। तो आलू ना ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। तो दो बड़े साइज़ के आलू दो टुकड़ों में करके मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे डाल देंगे एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक और एक छोटी चम्मच सरसों का तेल। तो हल्दी डालने से ना कटहल का कलर अच्छा आएगा और तेल डालने से ना कटहल आपस में चिपकेंगे नहीं या फिर फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं। और इसमें हम लोग डाल देंगे दो कटोरी पानी और इसका ढक्कन लगा के ना मीडियम टू हाई फ्लेम पर दो सीटी आने तक वेट करेंगे। तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में मैंने लिया है एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, डेढ़ छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में डाल देंगे एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक चौथाई छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर है। अब थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका घोल तैयार कर लेंगे। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो दो छोटी चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इस तरह से मसाले का घोल तैयार करके बनाइएगा ना तो सब्जी का जो स्वाद है ना और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे ताकि मसाले फूल जाएँ। कुकर जो है ना ठंडा हो चुका है, दो सीटी आने के बाद मैंने ना फ्लेम को बंद कर दिया था। और जब कुकर खुद से ठंडा हो जाए ना तभी ढक्कन हटाएं और कटहल को चेक कर लेंगे। तो जो कटहल है ना हमें 80-90% ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना इसको फ्राई करते वक्त ना टूट जाएगा और कटहल मैशी हो जाएगा। तो कटहल पक चुका है, इसे हम लोग पानी से छान लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने दो बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है और अच्छी तरह से तेल को गरम करेंगे और इसमें अब हम लोग कटहल को फ्राई करेंगे। तो ये वाली जो रेसिपी है ना बहुत ही खास है, हम लोग बचपन से इस सब्ज़ी को खाते आए हैं और ये ना पुआ के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। होली के दिन तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं लेकिन कटहल की सब्जी और पुआ ज़रूर बनता है। तो जो कटहल है ना लाल हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। अब इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में ही ना हम लोग आलू को भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आलू कटहल को फ्राई करके जो सब्जी बनाइएगा ना तो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। जो आलू है ना उसको ज़्यादा नहीं 1.5 से 2 मिनट ही लगेंगे फ्राई होने में। आलू भी फ्राई हो चुका है, इसे भी हम लोग निकाल लेंगे। और सेम कढ़ाई में ही ना मैंने 2 बड़े चम्मच तेल और ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और डालेंगे इसमें फ़ोरन। तो फ़ोरन के लिए ना मैंने यहाँ पे गोटा गरम मसाला का इस्तेमाल किया है और फ़ौरन को हम लोग तेल में डाल देंगे और इसके साथ ही हम लोग डाल देंगे 3 तेज़पत्ता और 1 पिंच हींग। तो इस रेसिपी में ना हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें, कटहल जो होता है ना बागी होता है तो हींग डालने से एडजस्ट हो जाता है। और साथ में ही हम लोग डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने मोटा मोटा लंबा लंबा करके काटा है। और प्याज को ना हमें हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए जब तक, ढक देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो प्याज है ना कढ़ाई में चिपके ना। तो जो प्याज है ना कुक हो चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे, इससे ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है। और अब इसमें हम लोग डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने ना आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये ना सिर्फ कलर के लिए होता है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें पर ना स्किप कर सकते हैं। और एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। तो नमक हमने कटहल उबालते वक्त भी डाला था तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे जो मसाला का घोल हमने तैयार करके रखा था ना, वो उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसको भी प्याज के साथ ऐड कर देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर ना मसाले को अच्छी तरह से भूनना है हमें। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ना इसको हम लोग ढक देंगे और ढक के पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाला जले ना। जब तक कि मसाला बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। तो जो मसाले से ना अच्छी सी खुशबू आने लगी है और जो मसाला है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसे एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे आलू और कटहल जो हमने फ्राई करके रखा है। तो इस रेसिपी में ना प्याज को हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़ा सा प्याज मोटा मोटा रहना चाहिए, उससे ना ग्रेवी का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब आलू कटहल को ना हाई फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट के लिए ना अच्छी तरह से हमें भून लेना है ताकि जो मसाले हैं ना अच्छी तरह से कटहल और आलू के ऊपर कोट हो जाए। और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे पानी। तो आप इस सब्जी को ड्राई भी बना सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर मैं डालूंगी पानी। तो छोटे वाले कप से ना मैंने 3 कप पानी डाल दिया है, और ग्रेवी बनाने के लिए मैं हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ। अब क्या करेंगे ना, अच्छी तरह से ग्रेवी को सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ना ढक के सब्जी को 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जितने भी मसाले हैं ना कटहल के अंदर तक समा जाएँ। ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया और ढक्कन लगा देंगे। इस तरह से जो सब्जी बनाइएगा ना, बहुत टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो जो आलू कटहल की सब्जी बन करके तैयार है, अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है ना, इस सब्जी का स्वाद जो है ना अलग लेवल तक जाएगा। इसे डालने से ना सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आलू कटहल की सब्जी बन करके तैयार है। इसे आप पूरी पराठे चावल के साथ सर्व करें, बट ये जो सब्जी है ना पुआ के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।